फर्स्ट स्टेप में हमें अंडे को फ्राई कर लेना है। उसके लिए एक पैन में हमें 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लेके थोड़ा सा नमक, हल्दी और रेड चिली पाउडर देके अंडे को फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसेस में आलू को भी फ्राई करना है। अभी हमको 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल के रफली चॉप्ड अनियन जो है उसको डीप फ्राई कर लेना है। उसका कलर ब्राउन होना चाहिए। ये एक बंगाली डेलिकेसी है जिसको हम कहते हैं डिम कोसा। तो इसका एक डार्क कलर रहता है। वो डार्क कलर को लाने के लिए हम ये जो अनियन है इसको डार्क ब्राउन करते हैं, उसके बाद उसका पेस्ट बनाते हैं, उसी से उसका कलर आता है। अनियन डीप फ्राई हो जाने के बाद उसे पहले ठंडा कीजिए और फिर मिक्सर में ट्रांसफर कीजिए। अब देखिए एक नाइस ब्राउन कलर आ गया वही डीप फ्राइड अनियन का पेस्ट का, जो हम मसाले में यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेके अक्का गरम मसाला डालना है। इस पे मैंने 4 इलायची, 4 लौंग और 2 दालचीनी का यूज़ किया है। गरम मसाला अच्छे से भून जाने के बाद उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और चॉप चिली दोनों डाल देंगे। अब हम ऐड करेंगे चॉप अनियन या तो कांदा। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि प्याज लाइट ब्राउन कलर हो गए, तो अभी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर दिया कि शक्कर भी कैरमलाइज हो जाने के बाद एक ब्राउन कलर छोड़े। अब इसमें हम लोग अपना अनियन पेस्ट डालेंगे। अभी देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर आ गया इसमें। ये जो रेसिपी है इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर अगर आपको टेस्टी चाहिए तो थोड़ा तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सारे मसाले को डाल दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए। अब टमाटो प्यूरी ऐड कर दीजिए। अब देख रहे हो कि मसाला अच्छे से पक गया। अभी इस पे हम चॉप टमाटोज डालेंगे। और इसे पिघलने तक वेट करेंगे। अभी आप इसमें मक्खन ऐड कीजिए, जो कि ऑप्शनल है, पर मक्खन इसमें अच्छा फ्लेवर लाता है। नेक्स्ट हम फ्राइड अंडे और आलू को ग्रेवी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/2 कप गरम पानी ऐड कर देना और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना। बन गया आपका डिम कोसा। बन गया आपका बंगाली डेलिकेसी डिम कोसा, या तो हिंदी में आप बोल सकते हो अंडा मसाला, जो आप रोटी, पराठा या तो पूरी के साथ भी खा सकते हो। अगर आपको ये डिश पसंद आए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिपेंस डेलिकेसी, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरा हर एक न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।